दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलते हैं प्रश्न पेपर की ओर। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का पेपर लेके आए। हम इसका प्रश्नों के साथ सोल्यूशन भी देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी विकासशील देश में स्वसंयोजित लोग जो लघु श्रम प्रधान कार में लगे हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सेक्टर से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में विदेश व्यापार में मदों की सरणी वृद्ध से सूची से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राज्य की स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, तो पटाना या डंपिंग। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली की संदर्भ सूचक है जिसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो इसका करेक्ट है वित्त आयोग को। किसको? वित्त आयोग को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वित्त आयोग एवं चुनाव आयोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर, ए और सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, संरक्षण से तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयोग सभी। देख सकते हैं दोस्तों इसका संरक्षण से तात्पर्य उपयोग सभी। ये है आयात व्यापार पर लगाई गई रोक, घरेलू उद्योगों का संरक्षण, दो देशों के बीच माल एवं सेवाओं के मुक्त विनिमय का ना होना। तो इसमें उपयोग सभी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस पर वाणिज्य बैंक जनता से ऋण लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्नों की वह सूची जिसमें सूचक स्वयं उत्तर देता है कहलाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। जैसे दोस्तों हम अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, ब्रेन ड्रेन मस्तिष्क प्रवाह का दुष्परिणाम है। तो कौन से प्रवाह? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसी श्रेणी का वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति श्रेणी में अधिक सबसे अधिक होती है। तो क्या होगा? बहुलक। करंट आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में निर्धनता के मापन के लिए योजना आयोग ने को मापदंड अपनाया। तो पौष्टिक आधार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वर्तमान 2002 से 2007 में पंचवर्षीय खालिस्तान योजना चल रही है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है 2002 से 2007 तक में। अब चलते हैं सही जोड़ी की ओर, समय कीमत। इसका आंसर देखिए दोस्तों अच्छे से, समय कीमत के। तो इसका आंसर मांग एवं पूर्ति। अब दूसरा बी वह, इसका क्या होगा? समय एवं पूर्ति पहला का ये वाला। अब देखते हैं दूसरा का, वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट विदर्स। तीसरा व्यापार संतुलन आए तो वस्तुओं का उत्पादक शुल्क हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। असंतुलित बजट का हो जाएगा आय की अपेक्षा व्यय अधिक। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका होगा, एकता मानववाद के सिद्धांत के लिए कौन से भारतीय अर्थशास्त्री जाने जाते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय अर्थशास्त्री जो माने जाते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्री जाने जाते हैं एकदम मानववाद के, वो दीनदयाल उपाध्याय हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा मनुष्य के कल्याण की तुलना किसको गौण स्थान दिया है। तो इसको धन को। किसको दिया है? धन को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो 1837 में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 10, जो किसी की भाषा को पढ़ लिख सकता है उसे क्या कहते हैं? साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसी देश की आर्थिक विकास की सर्वश्रेष्ठ माप किसे माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय को। किसी देश की आर्थिक विकास को